ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਡਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ मोदी साहब नू हजे तक इन्नी नहीं समझ लग रही कि उन्ना दे देश दे किन्ने लोग शहीद हो गए ने इन्ना तीन काले कानूना करके ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ किस कर किस लिए खड़े हो बच्चे अपने हकों लिए हकों की लड़ाई लिए तुहानू खड़े होना पैंदा जिन्नी देर रो ना हक मंगो ना कोई हक दिंदा नहीं गा और हक लैण नू असीं ते खड़े आ उन्नी देर खड़े होवांगे जिन्नी देर सानू हक नहीं मिलणगे अच्छा लगातार किसान जिहड़े हैगे तकरीबन जे आपां गल करिए तां 5 महीने हो चले ने उहनां नू 5 महीने तो उपर ही कहांगे और 200 तो वध किसान जिहड़े हैगे साडे शहीद हो गए आ सरकारां हजे भी सोध ते ही अड़ियां होई आ क्यों नहीं उह अपना रुख बदल रही आ बेटा इहो जिहियां बेशर्म सरकारां सी जिंदगी च नहीं देखियां साडियां गलतियां सी इहनां नू सरकार बनाया जे साडा वस चले ना मेरा वस चले बेशक तुहाडा टूज टीवी च दिखा दो मैं ते जाके मोदी नू गोली मार के उहनू उड़ा दा सच्ची मैं कह रही उत्थे साडे भरा प्यो साडे बेटे देखे नहीं जाते सच्ची कहनी हाँ मैनू कोई बंब देवे ना मैं हुण मोदी दे जाके मार के आवां जिदा मोदी की माँ उड़ाई सी ना उदा ही मैं मोदी नूं उड़ा के अच्छा मैडम तुसीं की कहोगे जी मैडम यही कहणगे जो मैं कहा सर इस तरह हैगा कि असी सारे अपने हकों लिए खड़े हैं बिल्कुल ठीक है और असी अपने वालों सिर्फ मोदी सरकार नूं कहना चाहते हैं कि जिहड़ी ये लड़ाई साडे हकों की लड़ाई है इहनू जिन्नी जल्दी हो सकता उहनू कंप्लीट किया जाए तां कि जिहड़े किसान बैठे हुए ने इन्नी ठंड दे विच जां अपने घर छड्ड के बैठे हुए ने वो अपने घरों नूं वापस आउण असी बड़े धन्नवादी होवांगे सरकार दे अगर वो चीज़ां जिहड़ियां है जल्दी तो जल्दी मन के इस चीज़ नूं खत्म करे ते गल हकों की है पर हक जिहड़े हैगे वो मोदी सरकार नूं समझ नहीं आ रहे किसान तां बैठे ने लंबा समा हो गया पर फिर भी हजे भी सरकार जिहड़ी हैगी है वो कह रही है भी सोध ही कराओ सोध की चीज है सोध की चीज है आप वो कह रहे सोध इहदा मतलब कुछ गलत है जिहड़ा सोध कह रहे हैं उन्हां नूं पता होना चाहिए कि गलत चीज़ नूं सोध करी दी है जिहड़ी चीज़ है ही गलत है सानू नहीं मंजूर सानू मंजूर वो ही है कि वापस वापस 100% वापस जे मैं जलंधर की गल करा तो इतने भी जो बीजेपी के आगू है वह भी बार बार एक रट्टे है कि भी बिल सही है अच्छा। फायदे नहीं उन्होंने फायदा लगता होगा पर वो बीजेपी के मोदी के टट्टू ने भाड़े के खरीदे हुए टट्टू ने बीजेपी के जिन्हें बंदे अपना पैसे मिलने जो मोदी वालों ने तो फिर उन्होंने मोदी की बोली बोलनी सीधी जी जी गल सो इस करके उन्होंने जय जयकार मोदी की करनी है पता लगना कि किसान की की अहमियत होंगी है सानू तो पता है कि रोटी की अहमियत हैगी है इस करके असीं सारे खलोते हैं सारे कोल फार्मर्स असी सारे फार्मर्स आ ठीक है ना क्योंकि सानू गुड़ते ही फार्मर्स की मिली हुई है इस करके सानू पता आ कि एक एक नक्का मोड़ना भी किदा मोड़ीदा आ जमीना पिछे फार्मर्स की लड़ाई होंगी जमीना पिछे जिहड़े ने किसान आपस में किन्ने किन्ने साल कचहरियां च लड़ते रह जाते हैं एक नक्के तो लड़ाई शुरू होंगी है ठीक है जी इस करके सानू पता आ कि जिहड़ा अन्न असीं उगाण डे कल्ला अपने लिए नहीं उगा रहे पूरी इंडिया लिए उगा रहे हैं सो दिस इज़ द रीज़न बीजेपी वालों नू समझ नहीं लगनी उन्होंने इस वेले उन्होंने अपनी पावर का ही हंकार ज्यादा हंकार है बेटा देखो परमात्मा को डरना चाहिए हो सकता असी भी कई बार इमोशनल होकर गलत गल् मूँह चो निकल जाए पर एक इंसान इंसानियत के तौर पर सोचो ये गल ठीक है ये गल ठीक है मोदी सरकार को पूछो कि यह गल ठीक है सिर्फ एक गल पूछो जेड़ा इन्ना 2.5-3-4 करोड़ बंदा उत्थे बैठा है वो गलत है नाले हैगा भी मोस्टली मोदी जी की उम्र दा सारे जने ठीक है ना अच्छा अज मैं उन्हां दी वीडियो देखी जिहदे विच उन्होंने कहा कि बुजुर्ग बैठे ने उन्होंने घर भेजो भाई भेजो तुसी ए मौत बेरी चुको तुसी मौत बेरी चुकी है तिल काले कानून कड्डन दी है ना तुसी मौत बेरी चुको तुसी इन्हां नूं रद्द करो सानू अपने घर मोड़ो साडे उत्ते नजायज कब्जा करन दी कोशिश जिहड़ी तुसी कर रहे हो इस करके असीं बैठे क्योंकि सानू पता साडे हक की ने और साडे हक जायज़ ने साडे हक दी जिहड़ी मंग है वह जायज़ है जिन्नी देर तक नहीं वापस करनगे उन्नी देर तक उत्थे धरना ला के बैठे रहनगे असीं इत्थे प्रोटेस्ट करांगे उन्हां नू सपोर्ट करन लई
ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ ਬਟ ਹਜੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੋਰਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹਰਡਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ 200-200 ਫੁਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਫੁਲਕੇ ਮਿਲਦੇ ਜੇ 4 ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਤਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਰੱਖਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ 500-500 ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ 230 ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਨਫੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਲਾ ਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਬੈਠੋ ਹੈ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ GST ਲਾਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾਤੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਯੂਥ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ MBA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ ਯੂਥ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੀਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਛੜੀ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹੈ ਛੜੀ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਇਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ 2 ਕਰਦੇ ਹੱਦ 3 ਕਰਦੇ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸੀਹਾ ਦੇਣ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਥ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜੋ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੋਰਮਲ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ PM ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰ
जे इंप्लीमेंटेशन होगी कल्ले कल्ले बंदे नू मार पैनी है चाहे तुसी हो चाहे मैं नाले प्रेस वाले ने तुसी देखिया धक्का कितना होया पुनिया जी नू चक्किया गया ठीक है नोदीप कौर का की हाल किया उन्होंने मतलब उस कुड़ी नू इन्ना टॉर्चर किया इन्होंने मेल मैंबर्स ने टॉर्चर किया आ तो इस तों बाद होर तुसी की चाहते हो धक्का इस इन्नी ज्यादा कह लो कि डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है खत्म हो गया बिल्कुल जी इस चीज़ नू खत्म करके सारा कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए किसान के हक च करना चाहिए की कहोगे सत श्री अकाल जी सर देखो अज जिहड़े असीं इत्थे खड़े हाँ अज मेरा अज फस्ट डे आ मैं इत्थे खड़ा होया मैनू चार पाँच दिन हो गए मैं देखदा सीगा कि रोज़ पहला चार दिन चार बंदे सीगे फिर हौली हौली जो लेट होए तो फिर ये जिहड़ा स्ट्रेंथ है इन्हां दी वधदी गई अज मैं इन्हां नू जॉइन किया तो जदों कल आ के मिलिया सीगा इत्थे सारे पॉजिटिव सीगे सानू ये सीगा कि हाँ भी नहीं असीं भावें सब कुछ सह भी रहे हाँ देख भी रहे हाँ लेकिन असीं हैगे पॉजिटिव हाँ कि सानू आ कि नहीं असीं जित के रहना वा तो जित के रहांगे जी मेरा कहना है कि मैं दिल्ली भी रहा उत्थे भी मैं धरना सारा देखिया सब कुछ जिन्हें साडे बजुर्गों ने सह लिया आई थिंक आप सहन से सारे सियाल कट ले उत्थे तो ठीक है इस तो वध कुछ होना नहीं चाहिए कि हुण मन लेना चाहिए कि इन्ना इन्ने शहीद भी हो गए पर इन्नी ईगो चाहिए नहीं जे प्रधानमंत्री इन्नी ईगो होगी तो बाकी आम जनता कितने जाऊगी की कहोगे भाई मैं कुछ नहीं कहता साडे नाल इत्थे होर भी वीर मौजूद ने उन्हां दा गलबात अच्छा तुसीं की कहोगे जी किसानी दे हक दे विच नारा बुलंद कर रहे हो देखो अज सारे देश दे विच चाहे निशान साहब की गल हो रही चाहे तिरंगे की गल हो रही है मैं सरकार तो मंग करदा कि ये चीज़ां नू त्याग के जिहड़ा इंसानियत दे हक दे विच कोई फैसला लेना चाहिए और पंजाब दे किसानां दे सारे बुद्धिजीवी वो बुला के एक इहो जिहा माहौल पैदा करन ताकि दोबारा जिहड़ा आर्थिक तौर पर जिहड़ा साडा कंट्री है वह बहुत पिछे जा चुका उन्हूं दोबारा लीहां ते लिआउण दा जिहड़ा यतन किया जाए और जे असी तिरंगे की गल कर लीए तो उस दे उपर सब तो उपर जिहड़ा केसरी रंग है वह मतलब है कि पंजाब हमेशा ही भावें मुगलों का राज सी भावें गोरियां का राज सी पंजाब हमेशा अगवाई करता रहा और देश दीआं सरहदां दे उत्ते साडे जिहड़े वीर ने वो दिन रात उत्थे राखी करके हमेशा साडे मुल्क नूं बचांदे रहे हैं और एक इंसानियत की राजनीति जिहड़ी है उन्हूं अगे लेना चाहिए ना कि आप झंडे की राजनीति में सारे ही वर्ल्ड के लोग सारे ही राज्य के लोग जोड़े त्याग चुके की कहूँगा भाजी जो भी हो रहा बहुत गलत हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ फार्मर्स की गल नहीं हैगी फार्मर्स के नाल हर एक बंदे की गल है जो भी हो रहा गलत हो रहा उस तो बाद गलत मीडिया सब कुछ दिखा रहे हैं भी उन्होंने ये करता वो करता ये नहीं किया है पर उन्होंने भी दिखाना चाहिए वो बेचारे किन्ने दिनों तो ठंड च बैठे हुए हैं असं उन्होंने नाल खड़े हैं मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े हैं दिल्ली भी हो के आए हैं इतने भी खड़े हैं तो हमेशा खड़े रहेंगे हजूम जिहड़ा वाधा जा रहा है लगातार तुसीं देख पा रहे हो इत्थे लाइन जिहड़ी हैगी लंबी हुंदी जा रही है इत्थे साडे नाल कुछ होर यूथ मौजूद है उन्हां नाल भी गलबात करांगे साडियां कुछ भैणां मौजूद ने इन्हां नाल गलबात करांगे अच्छा की कहोगे तुसीं भी अज इत्थे मौजूद हो असी अपने किसानां लई खड़े हाँ इत्थे जिहड़े साडे बजुर्ग साडे नौजवान वीर मावां उत्थे बैठियां ने असी उन्हां दे हक्कां लई अपने हक्कां लई इत्थे खड़े हाँ जिहड़े मोदी दे काले कानून ने इन्हां नूं जरूर वापस करवावांगे सानू साडे राइट्स जिहड़े ओह मिलने चाहीदे ने ते जो ये सरकार धक्केशाही कर रही है वह बंद करनी चाहीदी है ते जो भी साडे हक ने सानू वापस मिलने चाहीदे ने सेम सर यही कहना चाहवांगे कि सरकार नूं अपने काले कानून रद्द करने चाहिए ने किसानां दा हुण बहुत नुकसान हो चुका है इस तों वध नहीं होना चाहिए कि ये हुण सरकार नूं कुछ तो करना ही चाहिए है की कहोगे मैडम तुसीं ये हम फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और मोदी को सारे लॉज वापस लेने ही होंगे और सबसे वियर्ड बात मेरे को बस यही लगी है कि लाइक उसके पीएम की कंट्री को के लोगों को इतनी प्रॉब्लम है वो एक बारी भी फेस टू फेस हुआ ही नहीं वो सामने ही नहीं आया कि हाँ मैं पूछूं कि क्या प्रॉब्लम है ये सबसे बहुत ज़्यादा बुरी बात है तुसीं की कहना चाहोगे मैडम इंग्लिश बोलना This is the need of the hour and all of us need to stand united for the farmers and we need to support each other right now. ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹ ਭਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਧੰਨਵਾਦ
एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, 26 नू जिहड़े अपने वीर उत्थे अरैसट किए गए आ, फड़े गए आ, कुछ उन्होंने लभ लभ के भी उन्होंने बार बार अरैसट किया जा रहा, अज की डेट के दीप सिद्धू भी अरैसट किया गया आ, भावें लीगली उन्होंने एड्स मिल रही, पर सरकार ने किहड़े बेसिस से उन्होंने चक्या सीगा, यही नहीं क्लीयर हो पा रहा। देखो जी, चलो पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही आ, आपां उन्हूं तां रोक नहीं सकते, बट आपां सिर्फ इस चीज़ की अपील कर सकते हैं कि जिहड़े भी लोगों नूं हिरासत च लिया आ, उन्हां नूं उन्हां दी हरैसमेंट ना की जाए, उन्होंने टॉर्चर ना किया जाए, ठीक है। ज कुछ भी जो अपना वो कार्रवाई कर रहे हैं, कल नूं सामने आऊगा ही पुलिस ने क्यों चक्या, आपां नूं जवाब देणगे, आपां नूं पता लग जाएगा। बट कुछ लोगों जिन्हां नूं नजायज चक्या होया आ, जिन्हां दे नाम ते FIR भी है नहीं, जिन्हां दे नाम भी नहीं हाले तक दसे, वो चीज़ गलत आ, असी उहदे खिलाफ़ भी आवाज़ उठा रहे हैं, सारा देश उन्हां लोकां दे नाल आ, असीं चाहुंदे आ साडे लोग सही सलामत वापस आउण। पुलिस अपनी कार्रवाई करना चाहुंदी आ, वो कर सकदी आ, पर कोई गलत तरीका ना अजमावे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिवें कि तुसीं देख रहे हो, इत्थे असीं इस वेले मॉडल टाउन दे इलाके जलंधर दे विच मौजूद हाँ, और इत्थे जिहड़ा हजूम हैगा वधदा जा रहा, हौली हौली वन बाय वन जिहड़ा हैगा इत्थे यूथ जिहड़ा हैगा गैदर हो रहा। तुसीं सामने उधर शॉर्ट्स देख पा रहे हो, उत्थे चौंक ते कुछ वीर मौजूद ने जिहड़े तिरंगा लै के इत्थे नारे नूं बुलंद कर रहे ने, और जिहड़े साडे वीर ने इन्हां ने तिरंगा चुक्या होया, किसानी दे झंडे भी जिहड़े हैगे इन्हां दे हत्थां दे विच हैगे ने। पर इत्थे जेकर गल करिए तां इह सिख कम्यूनिटी नूं बिलोंग करदे ने, और जे देखा जाए तो इत्थे सब दा नारा एक है, एकता दा प्रतीक है इत्थे, और जिहड़ा बार बार भारत सरकार वालों खालिस्तानी कह के इन्हां नूं बदनाम करन दी कोशिश की जा रही है, अजिहा इत्थे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जे आपां देखिए तो हरेक कम्यूनिटी का बंदा जिहड़ा हैगा इत्थे मौजूद है। साढ़े नाल इत्थे कुछ होर वीर मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। अच्छा भाजी, तुसीं कदों तो इह इत्थे प्रोटेस्ट चलता पिया है? वैसे तो प्रोटेस्ट नवंबर महीने तो चलता पाया जी, दिल्ली साड़ी पूरा पंजाब इकट्ठा होया, पंजाब की हरियाणा UP सारे इकट्ठे हो गए ने हुण, पर इत्थे 7-8 दिनों तो लगातार संघर्ष चल रहा जी, जिहड़े ये सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने वास्ते आपां कराया गया जिहड़े मतलब नहीं दिल्ली पहुँच सकते, जिहड़े मतलब जिन्हां कोल ज़्यादा ही कामदार जिम है जिहड़े उत्थे नहीं पहुँच सकते, यूथ है जिहड़ा जिहड़े बच्चे पढ़ते हैं, वो सब इत्थे इकट्ठे हो के रोज़ शांतमई तरीके दे नाल प्रोटेस्ट करते हैं। भाजी कुछ कहना चाहोगे? भाजी सो ये साढ़े यूथ वीर जिहड़े लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जद दी किसानी जिहड़ी दिल्ली डटी हुई है, हर सूबे दे विच हरेक शहर दे विच यूथ जिहड़ा हैगा इकट्ठा हो रहा है, किसानी दे हक विच नारा बुलंद कर रहा, और यही आस कर रहा कि मोदी सरकार अपना रुख बदलेगी और एक किसानी कानून जिहड़े उन्हां दे हक दे विच नहीं ने उन्हां नूं रद्द करेगी। मैं नीरज कैमरामैन चिराग दे नाल सांझा मुद्दा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ। ਦੋਸਤੋ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।